आज हम आपके लिए लेके मलाई कोफ्ता की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है। हम आज इस मलाई कोफ्ते की रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, वो भी घर के मसालों से, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और एक झिल्ली लिया है, जिसमें हम 100 ग्राम पनीर लिए हैं। तो पनीर को हमें झील लेना है। हम यहाँ पे सारे पनीर को झील देंगे। आप कोई भी झिल्ली से झील सकते हैं, मोटी हो या पतली। तो यहाँ पे हम इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब आधा चम्मच हम इसमें डाल दिए हैं काले मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। और इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच बेसन डाला है बाइंडिंग के लिए। तो इनको आपस में अच्छे से हमें मिला लेना। पहले हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तब हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी डाल रहे हैं और अच्छे से मसल मसल के हमें मिक्स कर लेना है, ताकि ये अच्छे से बाइंडिंग हो। तो इसका थोड़ा सा पोषण ले लेके हम बॉल जैसा बना के तैयार करेंगे। हम बॉल ज़्यादा ना तो बड़ा बनाएंगे और ना ही ज़्यादा छोटा बनाएंगे। आपको जैसा बॉल पसंद है, बड़ा छोटा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये एकदम मीडियम साइज़ है, तो बॉल अच्छे से बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल को बना लेना है। और गैस पर हमने पहले से ही तेल गरम करके रखा है, तेल को ज़्यादा गरम होने नहीं देना है। तो इसमें हम सारे बॉल को डाल देंगे। आपका तेल में एक बार में जितना बॉल आ जाए आप डाल दें। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर हाई नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम रखेंगे, नहीं तो फिर ये अंदर से कच्चा रहेगा और बाहर से जल जाएंगे। तो उलट पुलट करते हुए अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और अच्छे से फ्राई भी हो गया, दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे नाश्ते आपको बॉल को बना लेना। तो इसी तेल में हमने डाला है प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, देख सकते हैं। इनको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो फिर मसालों में से खुशबू आने लगेगी। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। हमने यहाँ पे 1 टमाटर को पेस्ट करके लिया है। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आप चाहे तो टमाटर को बारीक सा काट के भी ले सकते हैं। अब इसी में हमने डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि बेसन और पनीर को जब हमने बाइंडिंग बॉल बनाया था तब भी हमने नमक डाला था, तो इसी से नमक आप हिसाब से डालें। तो इसी में हम डाल दिए हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर। हम सूखे मसालों से इनको बना के तैयार करेंगे। तो मसाला अच्छा से भून गया, तब इसमें हम डाल दिए हैं मलाई। मलाई को हमने अच्छे से ही फेंट लिया था, तो देख सकते हैं इसमें से तेल भी अलग होने लगा और अच्छे से मसाले भून भी गए। तो इसी में हमने सारे बॉल को डाल दिए। इनको उलट पुलट करते हुए थोड़ा सा चला लेना है, ताकि बॉल जो है नरम हो जाए थोड़ा सा। तो देख सकते इसका कलर भी आ गया, कितने अच्छे से बन गया। तो इसमें हम डाल देंगे हम गरम मसाला, इससे टेस्ट इसका और भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास हरा धनिया है या फिर क्रीम है तो डाल सकते हैं, लेकिन हम बिना क्रीम का बनाए हैं मलाई कोफ्ता को। तो अब हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बन के तैयार है। तो यहाँ पे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देख सकते कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तैयार किया है। इसे हर कोई बड़े आराम से बना लेगा घर के मसालों से। तो देख सकते हैं, तो इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं, घर में बना के खा सकते हैं, या तो फिर कोई गेस्ट आ जाए तो झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। इसे आप रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है ये, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो एक हम मलाई कोफ्ता को काट के दिखाते हैं कि अंदर से कितने नरम और मुलायम बन के तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं।